हाई टुडे इज थर्टींथ ऑफ जनवरी लेट एस हैवे क्विक ब्रीफ ऑन टुडे इज न्यूज पेपर द हिंदू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मेंट टू गिव सिटीजनशिप नॉट टू टेक इट अवे त्रिपुरा हाई कोर्ट से इज सोशल मीडिया पोस्टिंग अफ फंडामेंटल राइट ये काफी इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया है अकॉर्डिंग टू द कोर्ट द चीफ जस्टिस इन हिज ऑर्डर रिमार्क दैट पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया वॉज टेंटाउंट टू अ फंडामेंटल राइट एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फंडामेंटल राइट वो राइट्स होते हैं जो एक ह्यूमन को अपनी कंप्लीट लाइफ के लिए एक हैप्पी हेल्दी लाइफ को लीड करने के लिए असेंशियल होते हैं दे आर फंडामेंटल टू लाइफ सो जो राइट टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया अकॉर्डिंग टू द कोर्ट इज अ फंडामेंटल राइट एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लुक एट दिस न्यूज़ पोंगल स्पेल्स पैरल फॉर सालिम्स फॉक्सेस पोंगल एक फेस्टिवल है साउथ इंडिया तमिलनाडु का ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है थाई पोंगल थाई मंथ में ये होता है ये मल्टी डे है फोर डे लॉन्ग फेस्टिवल है हार्वेस्ट फेस्टिवल है तमिल है ये सोलर कैलेंडर फोरटीन जनवरी में थाई मंथ में स्टार्ट होता है तमिलनाडु में पोंगल का मीनिंग ये भी होता है फूड फूड इसमें जो नया हार्वेस्ट आता है राइस उसको बॉईल करते हैं ओवरफ्लो होने लग जाता है इसमें राइस और जैगरी की डिशेस बनाते हैं दिस इज़ व्हाट दे डू इन पोंगल अब जो पोंगल के फोर डेज होते हैं तो फर्स्ट डे होता है भोगी पोंगल सेकेंड डे होता है सूर्या पोंगल थर्ड डे इज़ मट्टू पोंगल एंड द फोर्थ डे इज़ कानून पोंगल अब जो ये कन्नुम पोंगल है कन्नुम पोंगल फोर्थ एंड फाइनल डे होता है हार्वेस्ट फेस्टिवल का इसमें ये लोग जैसे जलीकट्टू में बुल का रेस होता था तो इस कन्नुम पोंगल के डे के दिन ये इन फॉक्स का रेस करते हैं और इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काफी कंसर्न है बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ एट्रॉसिटी ऑन दीज वाइल्ड एनिमल्स सो द एनिमल अंडर गो क्रूअल ट्रीटमेंट इन द नेम ऑफ दिस फेस्टिवल द एनिमल इज गैग्ड एंड द हाइंड लेग्स आर टाइड कैप्चरिंग अ वाइल्ड एनिमल इट्सल्फ इज एन ऑफेंस एंड दिस हेल्पलेस एनिमल इज टॉर्चर्ड इन द नेम ऑफ द फेस्टिवल तो ये पोंगल के फोर डेज है भोगी पोंगल सूर्या पोंगल मट्टू पोंगल एंड कन्नुम पोंगल टू एंड दिस इज पेज नंबर थ्री दिस इज पेज नंबर फोर लुक एट दिस पिक्चर प्रिपरेशन इन फुल स्विंग एट राजपथ अहेड ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली ऑन संडे दिल्ली पहले कोलकाता कैपिटल था इंडिया का फिर 1911 में दिल्ली कैपिटल बना और उस टाइम पे ये पूरा दिल्ली का सेंट्रल विस्टा डिज़ाइन किया जिसमें राष्ट्रपति भवन हमारी पार्लियामेंट ये पूरे बिल्डिंग्स जो हैं ये इस टाइम के डिज़ाइन है अब गवर्नमेंट प्लान कर रही है मास्टर प्लान 2021 के अंदर एक सेंट्रल विस्टा रिवेम्प का इसमें एट न्यू गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनेगी नया पार्लियामेंट बनेगा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट्स के नए घर बनेंगे वहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग्स होंगी और ये ऑफिस बिल्डिंग्स होंगी ये 7 फ्लोर टॉल बनाने का प्लान है वाई 7 फ्लोर बिकॉज़ ये इंडिया गेट की जो हाइट है उससे इसकी हाइट कम रखना है शास्त्री भवन कृषि भवन निर्माण विज्ञान भवन ये सारे भवन को हम डिमोलिश कर देंगे और ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन होगा वो एक 9.5 एकड़ के प्लॉट में होगा ये अभी वैकेंट पड़ा हुआ है और इसीलिए इस बात पर एक जो ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है वो ये है कि ये जो 9.5 पॉइंट फाइव के प्लॉट है ये दे आर अजाइंड फॉर रिक्रिएशनल पर्पजेस किन के लिए फॉर ऑर्डिनरी पब्लिक अगर आप ये एरिया ले लोगे देन वुड बी अ लॉस टू ऑर्डिनरी पब्लिक सो इसमें इस, इस बात पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं सो दिस इज पेज नंबर फोर नाउ दिस इज पेज नंबर फाइव अर्थक्वेक रॉक्स लद्दाख नो कैजुअलिटी ये हमारी नई यूनियन टेरेटोरी है अर्थक्वेक रॉक्स लद्दाख नो कैजुअलिटी ये मीडियम इंटेंसिटी का था 5.3 पॉइंट थ्री ऑन द रिक्टर स्केल वट डज इट मीन बाय दिस रिक्टर स्केल अर्थक्वेक क्या होते हैं एपिसेंटर क्या है? See, होता है सी जो अर्थक्वेक होता है अर्थ मीन्स अर्थ का सरफेस क्वैक मीन्स ट्रैमर हिलती है वो नाउ जो अर्थ है हमारी इसमें तीन लेयर्स है एक है कोर जो सबसे इनसाइड की लेयर है देन कोर के बाद है मेंटल और मेंटल के बाद है फिर लिथोस्फेयर क्रस जो ऊपर की लेयर है नाउ ये जो ऊपर वाली लेयर है ये बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है कुछ मेजर प्लेट्स हैं कुछ माइनर प्लेट्स हैं और ये जो प्लेट्स हैं प्लेट्स लाइक जो अर्थ का आउटर सरफेस है वो ऐसे छोटी छोटी और बड़ी बड़ी प्लेट्स में टूटा हुआ है और ये प्लेट्स जब मूव करती है तो इन दोनों प्लेट्स के जो भी मूवमेंट हो रहा है कोलिजन हो रहा है सेपरेशन हो रहा है या फिर दे आर स्लाइडिंग पास ईच अदर उससे जो मूवमेंट होता है टेंशन क्रिएट होता है वो टेंशन कई बार रिलीज होता है और वो रिलीज जो होता है सडन रिलीज ऑफ दिस टेंशन टेंशन मीन्स स्टोर्ड एनर्जी वो एनर्जी जब रिलीज होती है तो दैट कॉजेज ट्रेमर और उसी से अर्थक्वेक आता है सो अर्थक्वेक इज द रिलीज ऑफ दिस स्टोर्ड एनर्जी इन दीज प्लेट्स ये एक सेसेमिक वेव्स जनरेट करती हैं प्राइमरी वेव्स दैन फिर वो सेकेंडरी वेव्स बनती हैं जब वो सरफेस पर आती है नौ ये है हमारा इंडिया इंडिया जो आता है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में आता है और ये है यूरोपियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरोपियन प्लेट को ऐसे हिट कर रही है और इसी के कारण ये यंग फोल्ड माउंटेन हिमालयाज़ बने हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट इस पूरे हिमालयन रीजन में अर्थ क्वैक बहुत प्रून है बिकॉज प्लेट मूवमेंट हो रहा है तो अर्थ हिलती है और इसीलिए लद्दाख में अभी

अब ये जो प्लेट का जहां पे एक्चुअल रिलीज ऑफ एनर्जी हुई है उसको हम बोलते हैं हाइपो सेंटर मतलब फोकस कहाँ पर है ये जनरली अर्थ में अंदर की तरफ होता है नीचे एट सम डेप्थ होता है और इसके जस्ट ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ईपी सेंटर ईपी सेंटर मतलब सरफेस पे आ गया है वो जो एनर्जी का ट्रांसफर है और यहाँ से फिर ऐसे ये आगे की तरफ बढ़ेगा अर्थक्वेक का एरिया सो दिस इज अबाउट अर्थक्वेक नाउ एट दिस पिक्चर फ्रेश स्नो फॉल इन कश्मीर थ्रो लाइफ आउट ऑफ गियर्स फ्लाइट्स डिसरप्टेड। कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटिफुल कश्मीर में ये जो डल लेक है डल लेक के आसपास मुगल गार्डन्स हैं यहाँ पे शालीमार बाग है और ये निषाद बाग है यहाँ पे हाउस बोट्स चलती हैं हाउस बोट्स देखो ऐसी होती है लुक एट दिस दीज आर हाउस बोट्स और ये जो हाउस बोट्स हैं इनको शिकारा भी बोला जाता है अब ये जो डल लेक है दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल बट डल लेक इज़ फेसिंग दी प्रॉब्लम ऑफ योट्रोफिकेशन क्या होता है? इसमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा आ जाएंगे इस लेक में एंड बिकॉज ऑफ दैट न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे तो एलगल ग्रोथ ज्यादा होगी प्लांट्स ज्यादा ग्रोथ होंगी और इनके होने से ऑक्सीजन का डिप्लेशन होगा फिश मरने लग जाएंगी और ओवरऑल जो लेक है इसकी कंडीशन डिटीरियोरेट होती है सो दिस इज द श्रीनगर लेक देन दिस इज पेज नंबर फाइव दिस इज पेज नंबर सिक्स एट दिस पिक्चर Villagers participating in a community fishing event ahead of Bhogali Bihu celebration in Tejpur, Assam. Assam में Bihu एक बहुत बड़ा festival है harvest festival है अगेन ये अब ये जो भोगाली बिहू होता है ये जनवरी में सेलिब्रेट करते हैं बिहू तीन टाइप के होते हैं अगेन एक होता है रोंगाली बिहू जो अप्रैल में होता है और दो अक्टूबर में होता है उसको हम बोलते हैं कोंगाली बिहू सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिहू दिस इज़ भोगाली रोंगाली एंड कोंगाली असम का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है क्रोकोडाइल पॉपुलेशन ऑन द राइज इन ओडिशाज घोड़ा हडा रिजर्वायर घोड़ा हडा रिजर्वर में है ये क्रोकोडाइल है बास्किंग इन द सन ऑन द बैंक्स ऑफ घोड़ा हडा रिजर्वयर इन ओडिशा अब क्रोकोडाइल और एलिगेटर और मगर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है मगर क्रोकोडाइल होते हैं ये कॉमन होते हैं एलिगेटर्स ये आपको जनरली हर जगह मिल जाएंगे रिवर साइड में और यहां पर जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं आर बिग ये थोड़े बड़े होते हैं ये भीतर कनिका में मिलेंगे मैनग्रोव्स के आसपास मिलेंगे और जो घड़ियाल होते हैं ये भी फ्रेश वाटर में मिलते हैं पर जो घड़ियाल का ऐसे करके लंबा सा स्नाउट होता है यहाँ पे जो उनका स्नाउट होता है इस स्नाउट से इनको फिश को पकड़ना आसानी हो जाती है सो दैट इज़ वाई इनका जो जॉ है वो इस टाइप से लंबा सा और ऐसे थोड़ा पतला सा होता है और यहाँ पे स्नाउट होता है घड़ियाल में ये चंबल रिवर के आसपास मिलते हैं और जबकि जो क्रोकोडाइल होता है क्रोकोडाइल का जो जॉ होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है इट्स वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट बाइट है बाइट है क्रोकोडाइल का इवन इट इज़ स्ट्रांगर देन जगुआर जगुआर बिग कैट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इवन टाइगर और लायन से भी स्ट्रॉन्ग बाइट होता है और जो क्रोकोडाइल का है वो जगुआर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइट है सो दिस इज़ पेज नंबर सिक्स दिस इज़ पेज नंबर सेवन एंड दिस इज़ पेज नंबर एट एक और फेस्टिवल है उसका नाम है संक्रांति संक्रांति में ये स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ प्रोग्राम का पार्टिसिपेशन कर रहे हैं Now, ये जो संक्रांति है संक्रांति इज डेडिकेटेड टू सूर्य लॉर्ड सूर्य लॉर्ड सन सन इनटू मकर राशि राशि क्या होती है ये सनसाइन होते हैं जैसे कि मेष राशि दिस इज हिंदी एंड दिस इज इंग्लिश मेष को बोलते हैं एरेस वृषभ राशि वृषभ राशि को बोलते हैं टॉरस देन मिथुन मिथुन को बोलते हैं जेमिनाय कर्क राशि इज कैंसर सिंग इज लियो कन्या इज वर्गो टूला इज लिब्रा वृश्चिक इज स्कॉर्पियन धनु इज Sagittarius एंड मकर इज Capricorn. आई एम a Capricorn. देन कुंभ इज एक्वेरियस एंड देन दिस इज मीन दिस इज Pisces. सो so, ऐसे करके ये राशियाँ हैं अभी जो सन है सन क्या होता है ये ऊपर है अपनी कैंसर लाइन ये इक्वेटर है और ये कैप्रिकॉन है सन इनमें ऐसे करके मूव करता है अपरेंट मोशन होता है बिकॉज ऑफ अर्थ इज टेल्ट ऑफ अर्थ एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन तो इस सन के मूवमेंट के कारण सन अलग अलग राशि में जाता है तो मकर संक्रांति में सन इज एंटरिंग इन मकर राशि सो दिस इज पेज नंबर एट दिस इज पेज नंबर नाइन ये बहुत ही बुरी न्यूज है इट इज वेरी सैड फुल थिंग दैट इंडिया अंडर फाइव गर्ल्स फेस हाई मोर्टेलिटी यूजली जो फीमेल्स होती हैं वो जेनेटिकली सुपीरियर होती हैं देन मेल्स बट ऑन दरी जो इंडिया है वहां पे अंडर फाइव गर्ल्स की ज्यादा मोर्टेलिटी रेट है इसमें कुछ टर्म्स होते हैं इसका रीज़न बेसिकली है मॉल न्यूट्रिशन और इन्फेंटिसाइड होता है इसके कारण इनका मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो जाता है इन्फेंट वो होते हैं जो लेस देन वन ईयर होते हैं पर थाउजेंड लाइफ बर्थ से हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट करते हैं और जो न्यो नटाल होते हैं वो फर्स्ट ट्वेंटी एट डेज बर्थ के बाद देखते हैं फर्स्ट ट्वेंटी एट डेज ऑफ लाइफ और इससे हम निकालते हैं न्यो नटाल जो डेथ रेट है वो इधर से आती है हैज़ वन ऑफ द हाइएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड काजीरंगा जो है काजीरंगा नेशनल पार्क भी है और ये वेटलैंड भी है वेटलैंड मीन इट इज एन इकोसिस्टम फ्लडेड विद वॉटर सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट साइट फॉर बर्ड्स सो दिस इज पेज नंबर टेन एडिटोरियल ये बात किया है यूक्रेन के प्लेन क्रैश का ईरान शुड है सेफ्टी स्टेप्स फॉर सिविलियन एयरक्राफ्ट वेल प्रिपेयरिंग फॉर एनिमी रिटेलियेशन सी एक शिकागो कन्वेंशन होता है आर्टिकल थ्री बी में ये लिखा है कि जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है दैट बी हार्म अंडर एनी सरकमस्टेंसेज नाउ ईरान ने इस एयरक्राफ्ट को बाय मिस्टेक हिट किया और इससे 176 सेवेंटी सिक्स पीपल डाइड नाउ अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल थ्री बी ईरान वुड बी रिक्वायर टू पे कंपनसेशन विक्टिम की फैमिली को कम्पनसेशन देना पड़ेगा बट एट द सेम टाइम डेथ इज द फाइनल जो मर्ग हैं वो तो वापस नहीं आएंगे सो दिस इज अबाउट दैट देन दिस इज मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन का स्टडी किया है ओवरऑल क्राइम रेट इन इंडिया एंड टू थाउजेंड एटीन इंक्रीज मार्जिनली सिंस टू थाउजेंड सिक्सटीन इसने दो बातें बोला है एक तो होता है क्राइम होना और जो दूसरा होता है उस क्राइम की रिपोर्टिंग होना तो जैसे केरला जैसे स्टेट्स हैं इस स्टेट में क्राइम का रिपोर्टिंग क्राइम का ट्रैकिंग और जो एफ है ये रजिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा है हाइएस्ट क्राइम रेट्स है एन में भी और केरला में भी बट क्राइम रिपोर्टिंग फॉलो अप एंड सब्सिक्वेंट स्टेप्स दे ऑल्सो तो इससे ये फिगर ऑल दो बढ़ जाते हैं बाकी जैसे कुछ बड़े स्टेट्स हैं यूपी हुआ या फिर बिहार हुआ यहाँ पे भी क्राइम रेट्स हाई हैं और यहाँ पे रिपोर्टिंग भी लो है सो दैट डू नॉट टेल ऑलवेज दी करेक्ट पिक्चर

पेज नंबर इलेवन ये जो आर्टिकल है ये आता है फ्रॉम द रीडर्स एडिटर इसे लिखा है ए एस पनीर सेल्बम में और ये बहुत अच्छा और कॉलम आता है इनके एडिटोरियल का एक कोट है अ लाई गेट्स हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड बिफोर द ट्रुथ हैज अ चांस टू गेट इट्स स्पैंड ऑन इसमें इन्होंने ये कहा है कि हम अभी लिव वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ मिस पॉलिटिशियंस और जो इवन जो लीडिंग पब्लिक फिगर्स होते हैं वो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू मीडिया ट्रस्टेड मीडिया वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस से और फिर ये जो भी बातें ऑडियंस को बोलते हैं वो एट सम एट टाइम मिस इन्फॉर्मेशन होती है प्रोपोगेंडा होती है और ये जब इन्फॉर्मेशन अपना पर्पज सर, सर्व कर लेती है तो फिर पॉलिटिशियंस उस बात पे अगर इन्फॉर्मेशन गलत है तो अपोलोजाइज कर लेते हैं या फिर सॉरी बोल देते हैं बट द डैमेज इज़ डन So, इन्होंने ये बोला है जर्नलिज्म मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स एंड प्रडिक्शन 2020 ट्वेंटी ये एक रिपोर्ट है जो यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड ने पब्लिश किया है इन्होंने बोला है इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स ऑन जर्नलिज्म एंड हैज सजेशन फॉर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ऑन हाउ टू डील विद दिस न्यू रियालिटी पॉलिटिशियंस हैव प्लेड विद फैक्ट्स अवॉइडेड जर्नलिस्टिक स्क्रूटनी एंड सक्सीडेड इन डेनिगरेटिंग द मीडिया इन अप्रोप्रिएट एंड मिसलीडिंग कैंपेन टैक्टिक्स डेट वी हैडेंट सीन बिफोर जो पॉलिटिशियंस होते हैं रिपोर्ट ये पॉइंट करती है कि आर इंक्रीजिंगली ट्राइंग टू बाईपास द मीडिया एंड कन्वे मैसेज डायरेक्टली वाया सोशल मीडिया और इससे कई बार वो गलेबल पीपल को दे uh, मिसलीड सो फैक्ट चेकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जर्नलिज्म की जो इथोज है उसको मेंटेन करना चाहिए वी सर्टेनली नीड टू ऑफर फैक्ट चेक एंड रियलिटी चैक्स बट वी ऑल्सो नीड कंटेंट विच एक्सप्लोर गुड फेथ पॉलिटिक्स वॉट माइट बी वर्किंग हाउ पॉलिसी डेवलपमेंट मेक्स अ डिफरेंस अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो व्यूवर्स हैं दे वॉन्ट सेंसेशनल न्यूज दे वॉन्ट प्रिफर मसाला आइटम्स जैसे YouTube में भी आपने देखा होगा क्लिक बेट्स होते हैं फैंसी क्लिक बेट्स होते हैं कंटेंट इज नॉट गुड बट फैंसी क्लिक बेट्स बनाते हैं कैप्शंस फोटोग्राफ्स टॉल प्रोमिस देते हैं वाई टू गेट द व्यूज टू गेट द दूवर्स अटेंशन बट अगर हम ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं तो जैसे ये मीडिया है ये मीडिया भी फिर टेम्प्ट करता है टू प्रोवाइड यू सच टाइप ऑफ कंटेंट सो दैट इज वाई इट इज व्यूवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि हम प्रोवोकेटिव पोस्ट या फिर जो सेंसेशनल लिस्ट आइटम्स होते हैं मिसलीडिंग न्यूज होती है इनकरेक्ट न्यूज़ आइटम्स होते हैं वी शुड नॉट एनकरेज सच टाइप ऑफ पोस्ट नाउ दिस इज लेसन फ्रॉम मराडू मराडू क्या है ये एक बिल्डिंग है विल परसुएट बिल्डर्स अगेंस्ट कॉम्यूटिंग फ्यूचर वॉयूशन इसको अभी सिस्टमेटिकली स्टेट ने डिमोलिश किया था क्यों किया था बिकॉज ये एनवायरमेंटल लॉज और इनको सी आर जी कोस्टल रेगुलेशन जोन को फॉलो नहीं कर रही थी दिस सेंस अ स्ट्रोंग सिग्नल कि जो एनवायरमेंटल लॉज हैं जो गाइडलाइंस हैं उसको बिल्डर्स को फॉलो करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट नाउ दिस इज़ पेज नंबर 11, दिस इज़ नेशनल मोर्निंग फॉर ओमान के ये सुल्तान थे ही पासड अवे नाउ दिस इज़ पेज नंबर ट्वेल्व दिस इज़ पेज नंबर थर्टीन दिस इज़ पेज नंबर फोर्टीन ईरान अग्रज डी एस्केलेन इज ऑनली वे टू सॉल्व क्राइसिस देखो ईरान जो है ना ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है परसिया का नाम सुना है परसिया इज दिस ईरान नाउ रिच कल्चर और हिस्ट्री है इसकी ये परसिया वाला एरिया है यहाँ पे होती थी पहलवी डायनेस्टी ये काफी मॉडर्न और प्रोग्र, प्रोग्रेसिव सोसाइटी मानी जाती थी इन वेस्टर्न एशिया बट नाइनटीन में एक रिवॉल्यूशन हुआ और इस पहलवी डायनेस्टी को टॉपल कर दिया गया इट इज़ बिलीव दैट इसमें भी यू एस ए का हाथ था यू एस एज अ नोटोरियस रेपूटेशन टू टॉपल द गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक मूवी है आर्गो दिस इज़ अ गुड मूवी हैव सी दिस मूवी वैन यू गेट टाइम नाउ इसके बाद क्या हुआ ये जब टॉपल हुई गवर्नमेंट तो जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई पर्शियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो रिप्लेस हुआ इस्लामिक थियोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से और ये इस्लामिक रिपब्लिक बन गया फिर अब जो नए रिलीजियस लीडर आए वो थे खोमेनी ये यहाँ के सुप्रीम लीडर बन गए और ये जो पहलवी डायनेस्टी थी इसको इन्होंने यहाँ से बाहर जाना पड़ा अब जैसे ही ये चीज़ हुई 79 के बाद उसके बाद ईरान इराक वॉर हुआ 79 का ऑयल क्राइसिस हुआ हॉस्टेज क्राइसिस हुआ और जो पूरा एरिया है वेस्ट एशिया का वो काफ़ी टर्मोइल में चल रहा है इसके बाद तो ये जो 1979 जो रिवॉल्यूशन हुआ है दिस इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी बिग इवेंट इन दिस वेस्ट एशियन हिस्ट्री अब इसके बाद जब इसका कल्चर चेंज होने लग गया ईरान का तो ऐसा भी न्यूज में आया है जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट प्लीज टू नीदरलैंड इसमें जो ओनली ओलंपिक मेडलिस्ट हैं वो नीदरलैंड गई हैं एंड शी इज वन ऑफ द मिलियंस ऑफ ऑपरेस्ड वो दिस इज द स्टोरी ओवर द ना इसमें क्या है कि अभी भी कुछ लोग उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड दर पॉलिसीज दिस इज द स्टोरी फ्रॉम अफ्रीका राइवल लिबिया ग्रुप्स अग्री टू सीज़ फायर लिबिया में क्या है 2011 में अरब स्प्रिंग्स हुआ था प्रोटेस्ट हुए प्रोटेस्ट के बाद सिविल वॉर हुई फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ और जो गद्दाफी थे इनका डेथ हुआ इसके बाद ये पूरा एरिया इनस्टेबिलिटी से प्रॉब्लम हुए यहाँ पर टू में इवन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने माना था सॉरी कहा था हमने इससे गलती हो गई हमने पोस्ट गद्दाफी वर्ल्ड के बारे में प्लानिंग नहीं किया सो दिस इज़ अवर मिस्टेक तो इससे एक बात तो बहुत क्लियर है कि जो इंटरनल मैटर्स होते हैं उसको इंटरनली सॉल्व करना चाहिए ये जो फॉरेन पावर्स का अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है तो इससे कुछ अच्छे रिजल्ट्स आते नहीं हैं वॉयलेंस मॉब कल्चर एनआर की दीज आर नॉट गुड फॉर एनी कंट्री अब आज की डेट में लॉन्ग टाइम डिक्टेटर मोहम्मद कद्दाफी को 2011 में हटाया गया था उसके बाद से यहाँ पे मल्टीपल फॉरेन पावर्स आर नाउ इन्वॉल्व इवन रशिया वॉन्ट्स टू बी हेयर रशिया टर्की वॉन्ट्स टू बी हेयर और इस पूरे प्रोसेस में जो लिबिया के पीपल है इकोनोमी है कंट्री है वो सफर कर रहा है नाउ दिस इज़ पेज नंबर फिफ्टीन गोल्ड चाइन्ज ब्राइटर सी गोल्ड का प्राइस बहुत इंक्रीज हो रहा है एम सी एक्स में मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज हिस्ट्री हिब्रू एंड द फ्यूचर इज़राइल इज द न्यू एजुकेशन हॉटस्पॉट फॉर रिसर्च एंड मोर दिस इज पेज नंबर सेवेंटीन एजुकेशन प्लस दिस इज़ पेज नंबर एटीन शोकेज संक्रांति दिस इज पेज नंबर नाइनटीन दिस इज स्पोर्ट्स And this is sports, and this is sports. So, thank you so much for watching today's video. Take care.